ही चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही जनता कांग्रेस जोगी और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बीजेपी के 50 से ज्यादा युवा कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस में शामिल होने वाले युवाओं की माने तो 15 साल के शासन में बीजेपी ने क्षेत्र के विकास के बारे में कोई भी पहल नहीं की। कांग्रेस की कार्यशैली को देखकर लगता है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है, इसलिए कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है। प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को गमछा पहनाकर उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। गोरेला पेंजा मरवाही के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने जोगी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी खत्म हो गई है और 90% लोग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जोगी कांग्रेस के 3 विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही थी और इस पर अमित जोगी ने उन्हें मरवाही चुनाव की चुनौती पर ध्यान देने की बात कही। अमित जोगी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी मान्यता प्राप्त दल को प्रचार करने से रोका जा रहा है। इस जिले में और विधानसभा क्षेत्र पर सफाया हो चुका है। 90% लोग पहले शामिल हो चुके थे कांग्रेस में और जो बाकी बचे हुए हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं। इसमें 7 पंचायत लगभग 20-22 गांव के लोग जितने भी उनके सेक्टर भूत प्रभारी थे वो और जितने भी मुखिया थे वो सब अभी शामिल आप लोगों के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। आदरणीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी को यही मशवरा दूंगा कि अभी मरवाही उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, उस पर वो ध्यान दें। प्रचार करने से केवल इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उसके प्रत्याशियों का नामांकन बंद कमरे में बिना सुनवाई के अवसर दिए रद्द कर दिया।